बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, रिसेंटली स्टार प्लस ने एक बहुत बड़े एक्टर को रिप्लेस किया गया है, शक्ति अरोरा को। गुम है किसी के प्यार में, क्या कहना चाहिए। एक एक्टर जब एक साल से, मतलब ये एक्टर एक साल से काम कर रहा था, 15-15, 16-16 घंटे मंडे टू संडे काम कर रहे थे एक्टर, अचानक से स्क्रिप्ट चेंज हो गया, अचानक से कहानी 360 डिग्री चेंज हो गई। आप कैसे देखते हैं कि स्टार प्लस लगातार अपने एक्टरों के साथ गलत कर रहे हैं। इससे पहले एक एक्टर को भी निकाला गया, एक शो बंद कर दिया गया, फालतू सीरियल। तो आप कैसे देखते हैं आप एक एक्टर को निकालना? बुरी बात, किसी भी एक्टर को निकाल देना बुरी बात है। पाप लगेगा, पोस्ट प्रोडक्शन में पाप लगेगा, स्टार प्लस स्टार माइनस हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे ही चैनलों को ये चाहिए कि वो कलाकारों का सम्मान करें, टेक्नीशियन का सम्मान करें। वो है तो आप है, चैनल को इसका ईगो नहीं पालना चाहिए, क्योंकि दोनों मेड फॉर ईच अदर। अगर वो नहीं है तो आप भी नहीं है ना। तो निकाल दिया तो मैं कलाकार के साथ रिप्लेस किया इस मामले में कुछ करें। लेकिन गुम है किसी के प्यार का जो शो था, उसके अंदर काफ़ी स्क्रिप्ट में काफ़ी कमियां थी, जो मुझे भी लगता है कि जैसे कि जो मेन लीड था एक्टर, उनका और उनकी वाइफ के बीच में रोमांस नहीं, रोमांटिक। अगर जब वाइफ अगर अपने हस्बैंड को आई लव यू कहती तो हस्बैंड थप्पड़ मार देता, मतलब स्क्रिप्ट में काफ़ी कमजोरियां होती थी, वैसा था। फैंस भी कह रहे थे कि आप रोमांस नहीं दिखाते, हस्बैंड और वाइफ का जो है और जो मेन लीड होता है। आजकल तो 2 महीने में सीरियल आते हैं और वहाँ पर रोमांटिक दिखाना चालू कर देते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ थी। तो स्क्रिप्ट में कमियाँ होने के कारण अगर एक्टर से भी कुछ प्रॉब्लम था तो एक्टर से बात नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता प्रोडक्शन हाउस को? गुम है किसी के प्यार में सीरियल सुबह शाम, गुम है किसी के प्यार में ऑडियंस सुबह शाम, अब तुम देख नहीं पाओगे उसमें शक्ति का नाम। वो रो रहा और रो रहा, चैनल बना है रोड़ा। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि उनको मीडिया से पता चला कि उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। तो आप कैसे देखते कि अगर आप लीव भी ला रहे हैं या आप एक्टर का ट्रैक भी ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक्टर को एक बार बता दिया? आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत है, किसी को भी रातों रात घर से बाहर कर देना गुनाह है। और आप गुनाह है। और उनके साथ जो सपोर्टिंग एक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आप मेन लीड है तो उनके घर पे भी सिस्टर, ऐसा एक एक्टर, उनका भी सबका काम गया। तो जिसका नाम शक्ति है उसे ही बाहर कर दिया, जो कमजोरों के साथ में क्या होता होगा वहाँ पे सोचो। शक्ति अगर वो रो रहा है तो अशक्ति वाले कितने बेचारे टेक्नीशियन हमारे, जो रात बेरात बेचारे स्ट्रगल करते हैं, परेशान रहते हैं, खाना पीना टाइम पे नहीं मिलता उनको। इसे तो मैं सीरियल करता नहीं, मुझे बहुत ऑफर आते हैं सीरियल के, लेकिन सीरियल वालों को मैं दरवाजे पर खड़ा नहीं करता। क्यों? मैं सिर्फ वो शो करूँगा जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी होती है, लाइक कपिल शर्मा शो, लाइक और दूसरे शोज हैं जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी के लिए मैं स्पेशल गेस्ट जाऊँगा। उसमें भी मैं हमेशा के लिए नहीं जाऊँगा, जो उनके जो जोक पेक करते ना वो लोग आपस में मिल के, वो मैं कभी स्पेशल एज सुनील पाल। आप जो OTT पर भी देखिए, पहला जब मेरा आया था तो एज सुनील पाल आया था, जिसका विवेक ओबराय जय ऋचा चड्ढा का जो OTT आया था वेब सीरीज, उसमें सुनील पाल पहले शुरुआत ही मुझसे हुई है, और मुझे मैं भी उसमें एज सुनील पाल आया, एज सुनील पाल ही मैनेज हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें, तो मैं सीरियल को कवालों को खड़ा नहीं करता, मैं सिर्फ स्पेशल शोज करता हूँ। जो मैंने पहले ही बॉलीवुड वालों को बता दिया कि मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूँ, ना था ना हूँ, कभी मुझे काम पर लेना चाहो तो शौक से आ सकते हो, मैं मजदूर की तरह के साथ काम करूँगा, लेकिन रेट जो तुम चाहो डे जो मैं चाहो। लेकिन यही एक्टर को नहीं, इससे दूसरे एक्टर को भी निकाला गया। सारे जवाब एक साथ में आ गए, काहे को एक ही जवाब को घुमा के नहीं नहीं, मेरा काम है तो क्या नहीं करना चाहिए, कलाकार के साथ बुरा नहीं करना। लेकिन एक्टर का जो एक संस्था है सिंटा, वो क्या कर रहा है? 80-90% संस्था फ्रॉड है, 90% संस्था जो फ्रॉड है, ठीक है। अब वो सिंटा कितनी फ्रॉड है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। कितनी फ्रॉड है मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड है, वो कितनी फ्रॉड है, कैसी फ्रॉड है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। अगर वो आवाज़ नहीं उठा रही है तो उठाना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, लव यू आप सब।